गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट वन वीडियो चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं उसको समझ लेते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो ये त्रिभुज होता क्या है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं यानी कि अगर इसकी फिगर की बात करें तो ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। इसको लिख सकते हैं ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग पहले से जानते हैं कि इसके शीर्ष जो होते हैं त्रिभुज में, वो तीन शीर्ष होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन से शीर्ष इसमें दिख रहे हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों क्या है, इसके शीर्ष है। अच्छा, इसी तरह से अगर भुजा की बात करें तो इसमें तीन भुजाएं होती है। कौन कौन सी है, ए बी है, बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। उसी तरह से कोण यानी कि एंगल की बात करें तो इसमें एंगल भी तीन होंगे। कौन कौन सा कोण होगा, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा और एंगल सी होगा। तीन कोण है। अब इन कोणों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए को आप लिख दीजिए एंगल बी ए सी, देख लीजिए ए लिखिए या एंगल बी ए सी लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, और एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ये आपको पहले से ही पता है। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं दो तरह से देखे जाते हैं, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो इन सब चीजों से हमें अभी इस क्लास में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीजें याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा चैप्टर्स के को समझने के लिए। चलिए हम लोग एक नाइन्थ क्लास का टॉपिक है उसको समझते हैं और फिर अपने चैप्टर पे आते हैं। चलिए तो देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। चलिए तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती हैं जब उनके समान आकार तथा समान अमाप हो। ठीक है, तो दो आकृति कब सर्वांगसम कही जाती है, जब उनके समान आकार को कहेंगे अंग्रेजी में शेप। ठीक है, इनके शेप यानी कि इनके आकार सेम हो तथा समान अमाप हो। समान अमाप का मतलब क्या है, यहां साइज से मतलब है, यानी कि अगर उनका शेप एंड साइज दोनों समान होगा तो आकृति क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब आपसे पूछेंगे कि क्या आप बताइए, एक रेखाखंड है ये और एक रेखाखंड यह है, दोनों का नाम कुछ अगर हम दे दें, कहें कि ये एक AB रेखाखंड है और एक आपका ये CD रेखाखंड है। हम कहें कि इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, तो आप कहेगा कि हाँ सर, ये दोनों सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि दोनों का समान आकार है, शेप समान है, दोनों रेखाएं हैं और इनका साइज भी समान है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों समान आकार है यानी दोनों रेखा ही है और दोनों का साइज भी समान है, इसलिए ये AB रेखा जो है CD रेखा के सर्वांगसम होंगी। AB रेखा जो होगा CD रेखा के सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का सिंबल होता है, ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है, उसी तरह से हम लोग त्रिभुज के बारे में भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ दो त्रिभुज हम बना दिए और आपसे पूछे कि क्या ये दोनों सर्वांगसम है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक फिगर है ABC, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है PQR, दो त्रिभुज आपके सामने हैं। अब आपसे पूछे कि क्या ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं, तो कहिएगा कि सर ये सर्वांगसम होंगी, कब सर्वांगसम होंगी, जब इनका समान आकार होगा, तो आकार तो समान है ही,
है ना, सेप तो एक ही जैसा ना, दोनों त्रिभुज है, और समान अमाप यानी कि अगर इनका साइज सेम होता तब ये हम सर्वांगसम कह सकते थे। आम भाषा में बात करें कि अगर इस फिगर को इस पे उठा कर रखा जाए और इस फिगर को इस पे उठा कर रखा जाए, एक फिगर दूसरे फिगर को ढक ले और दूसरे को उठा कर रखने पे इस पे इसको ढक ले, दैट मीन्स ये दोनों सर्वांगसम हो जाती है। अगर एक दूसरे को ढक लेंगी तो सर्वांगसम हो जाएंगी, है ना। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके कहलाने लगेगा, त्रिभुज पी क्यू आर के, कब, जब ये एक दूसरे को पूरी रूप से ढक ले। और एक दूसरे को पूरी रूप से कब ढकेंगी, जब इनका साइज सेम होगा तभी ढकेंगी। जैसे कि आप दो एक रुपए का सिक्का लीजिए, दो एक रुपए का सिक्का लीजिए, ठीक है। अब एक रुपए के सिक्के को एक दूसरे के ऊपर एक एक करके रख के देख लीजिए, तो क्या ये दोनों सिक्के एक दूसरे को ढक लेंगे, आसानी से ढक लेंगे, आप करके देखिएगा, ढक लेंगे, यानी कि वो दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। वो दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। उसी तरह से ये त्रिभुज अगर एक दूसरे को ढक ले, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। याद होना चाहिए आप क्लास नाइन्थ में जब थे तो आपको बताया गया था सर्वांगसमता के लिए, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ नियम समझाए गए थे, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, सर्वांगसमता से आधारित हम लोग कुछ प्रमेय बनाए थे, याद है आपको, साबित भी किए होंगे। चलिए तो वो कौन कौन से थे, पहला था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता। दूसरा था आपका साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता। तीसरा था आपका एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता, सर्वांग समता। और चौथा था आपका आर एच एस यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है। तो ये चार नियमों के बारे में, चार प्रमेयों को हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं क्लास नाइन्थ में, ठीक है। अब आगे इसमें थोड़ी सी देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये दूसरा आपका त्रिभुज है, दोनों का कुछ कुछ नाम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू और आर, ये दो त्रिभुज है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के। तो आपको याद होना चाहिए सर्वांगसम कब होंगे, जब ये एक दूसरे को ढक ले पूर्णता। तो मान लीजिए किसी रीजन से ये दोनों सर्वांगसम हो जा रही है, और जब सर्वांगसम हो जा रही है तो जब दो आकृति सर्वांगसम हो तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज यदि जोड़ देते हैं यहाँ पे, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो, तो उनके उनके संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं, तथा संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपको याद होना चाहिए हम लोग पढ़े थे, और इसी नियम को हम लोग सी पी सी टी के नाम से जानते थे, ठीक है। इसी नियम को हम लोग सी पी सी टी के नाम से जानते हैं। सी पी सी टी मतलब क्या होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यही आपका मेन खेल शुरू होता है, यहां से मेन खेल क्या है कि संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं उन्हीं को समझना है, ठीक है। तो चलिए इस फिगर से हम लोग संगत भुजा और संगत कोण की छानबीन करते हैं, और संगत भुजा और संगत कोण कौन कौन से हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां देखना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम कह रहा है। तो सर्वांगसम जब त्रिभुज पी क्यू आर के ए बी सी है तो यहीं से आपको पकड़ लेना है, ए कोण जो होगा ना पी कोण के संगत होगा, ये एंगल ए एंगल पी के संगत होगा। यानी आप यहां से लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल P
बी, यहाँ से नाम से यहीं से आपको पकड़ना है। फिगर में देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ तो आसान दिख रहा है, अभी देखिए फिगर को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से आपको पकड़ना होगा। एंगल बी के समरूप संगत कौन होगा, क्यू, यानी कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, क्या होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, ठीक है। अच्छा उसी तरह से एंगल सी के संगत को कौन सा होगा, आर होगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भुजाओं की, तो अगर ए बी भुजा लेते हैं, यहां से नाम पकड़िए ए बी लेते हैं, तो इधर कौन लेंगे पी क्यू, है ना, फिगर में देखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ए बी पी क्यू के बराबर। अच्छा दूसरा अगर इसमें का बी सी भुजा लेते हैं, बी सी लेते हैं, तो इसमें कौन सा लेंगे क्यू आर ना, देख लीजिए वही चीज यहां देखिए बी सी क्यू आर दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ पे भुजा ए सी लेते हैं, ए और सी लेते हैं, यहाँ क्या लेंगे पी आर लेंगे, पी आर देख लीजिए ए सी बराबर है पी आर के, तो यही होते हैं संगत भुजा और संगत कोण। अब चलिए ये तो आसान त्रिभुज था तो आपको समझ में आ गया, हम लोग इसको टेढ़ा थोड़ा करके इनके संगत भुजा और संगत कोण के बारे में समझते हैं। चलिए यहाँ पे दो त्रिभुज देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ ये जो त्रिभुज है ए बी सी यह सर्वांगसम है त्रिभुज एफ डी ई के, तो आप इसके संगत भुजा और सभी संगत कोण बताइए, है ना। तो आपको पता है कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तब आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों फिगर में बताइए तो संगत भुजा और संगत कोण कौन से है? आप फिगर देखते रह जाइएगा, आप कंफ्यूज से पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इस क्रम में आपको यहां देखना है, यहां पे देखिए कुछ नहीं देखना है, एंगल ए जो होगा एंगल एफ के बराबर होगा, यहां से यहीं से आपको पकड़ लेना, फिगर को ध्यान ही नहीं देना। एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो होगा एंगल ई के बराबर हो जाएगा, समझ में आया ना, ए बराबर हो गया एफ, बी बराबर हो गया डी और सी बराबर हो गया ई, समझ गए ना, तो यहीं से आपको पकड़ लेना है, नहीं तो आप फिगर में देखते रह जाते ए बराबर एफ बी है ना बराबर में डी है, डी बराबर में डी है और सी बराबर में ई है, ठीक है इस तरह से। अच्छा इसके संगत भुजा कौन कौन से होंगे, तो भुजा होंगे ए बी और उसमें होगा एफ डी, ठीक है, इसमें ए बी लिए तो इसमें कौन लेंगे एफ डी लेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें अगर मान लीजिए भुजा लेते हैं बी सी तो उसमें कौन सा होगा डी ई होगा, अच्छा इसमें भुजा लेते हैं ए सी तो उसमें कौन सा होगा एफ ई होगा, यहीं से आपको पकड़ लेना ए सी तो इधर हो जाएगा एफ ई, समझ गए ना। अच्छा एक और त्रिभुज से इसको समझते हैं, यहां भी हम लोग दो फिगर लिए हैं, इन दोनों फिगर में देखिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना ए बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज त्रिभुज जेड एक्स वाई के, ए बी सी सर्वांगसम है किसके है जेड एक्स वाई के, तो आप इसके संगत भुजा और संगत कोण कैसे लेंगे, तो आप यहीं से नाम ले लेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल जेड के, एंगल बी बराबर होगा एंगल एक्स के, एंगल सी बराबर होगा एंगल वाई के। अब देखिए तो ए जेड के बराबर है तो आप कैसे लेते हैं त्रिभुज, कैसे घुमाते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बी बराबर होगा किसके एक्स के, है ना, बी बराबर होगा एक्स के और सी बराबर किसके होगा, तो सी बराबर होगा यहां से वाई के, समझ गए ना। और भुजा की बात करें तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके संगत होगा, तो जेड एक्स के, बी सी किसके संगत होगा तो एक्स वाई के, और ए सी किसके संगत होगा जेड वाई के, ठीक है। तो आपको फिगर में देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझेंगे, और ये संगत भुजा और संगत कोण समझना बहुत जरूरी है, अभी समरूपता में नहीं समझिएगा ना तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, यहां से आपको सब समझ में आ गया, समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में, समरूप आकृतियां, ठीक है, यही मेन आपका टॉपिक है, आपको इस चैप्टर त्रिभुज में समरूपता के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं समरूप आकृतियां क्या कहलाती हैं, अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा सिमिलर सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। तो ये समरूप आकृतियां होती क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं और उसके बाद कंपेयर करेंगे सर्वांगसम और समरूपता में क्या फर्क है। चल ही सकते हैं कि दो आकृतियां समरूप कही जाती हैं
जब उनके समान आकार हो समान आकार हो, परंतु उनके उनके आमाप समान होना आवश्यक ना हो आवश्यक नहीं हो। समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है कि दो आकृतियां समरूप कब कही जाती है, जब उनके समान आकार हो, यानी कि उनका शेप जो है ना सेम हो, परंतु उनके अमाप का मतलब क्या है, साइज, समान होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अमाप समान भी हो सकता है और नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, समरूप आकृति होने के लिए क्या होनी चाहिए, बस उनके आकार समान होने चाहिए। अगर उनका आकार समान हुआ तो जरूरी नहीं है कि उनका अमाप समान हो, अमाप समान भी होगा तो चलेगा और नहीं भी होगा तो चलेगा। यानी कि यहां से एक चीज आपको पता चला कि हर एक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। हर एक सर्वांगसम आकृति क्या होती है, समरूप होती है, लेकिन हर एक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। यहां से ये ना पता चल रहा है, चलिए समझ में आ गया। अब इसके बारे में एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दो वर्ग बनाते हैं, ठीक है, एक वर्ग छोटा है और एक वर्ग बड़ा है। अब क्या आपसे पूछा जाए कि ये दोनों आकृति समरूप है, तो आप कहिएगा कि सर हाँ समरूप है और सर्वांगसम है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि ये सर्वांगसम नहीं है, वर्णी समरूप है। ए बी सी डी जो ये यहाँ देख रहे हैं वर्ग, ये समरूप है वर्ग किसके, पी क्यू आर एस के। देखिए ये समरूप का सिंबल है, ठीक है, और सर्वांगसमता का सिंबल ऐसे होता था, है ना, बराबर के ऊपर ऐसे ये ऐसे कर देते थे, तो ये आपका सर्वांगसमता का सिंबल होता है और ये समरूपता का सिंबल है। ठीक है, तो ये समरूप क्यों है, क्योंकि इनका जो आकार है एक जैसा है, दोनों वर्ग ही जैसे दिख वर्ग ही है, लेकिन इनका है ना अमाप समान नहीं है। देख रहे ना, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अगर इनका दोनों का आकार भी समान होता है ना और अमाप भी समान होता, आकार और अमाप दोनों समान होता, तो ये सर्वांगसम भी कहलाती और समरूप भी कहलाती। लेकिन अभी इनमें देख रहे हैं बड़ी छोटी है, इनका अमाप बराबर नहीं है, यानी कि इनका साइज बराबर नहीं है, सिर्फ शेप ही एक जैसा दिख रहा है, दैट मीन्स ये समरूप है सर्वांगसम नहीं है। समझ गए, यानी कि यहां से ये पता चल गया कि दो वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसमें इन दोनों का समान अमाप भी अगर होता, यानी कि एक दूसरे को ढक लेते, दैट मीन्स ये सर्वांगसम होते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इस बड़े वाले से छोटा वाला तो ढक जाएगा, क्या छोटे वाले बल से बड़ा वाला ढकेगा, नहीं ढक पाएगा ना, इसीलिए ये समरूप है सर्वांगसम नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल बात करें, आपसे कहें कि हम दो वृत्त यहां बना रहे हैं, ठीक है, दोनों वृत्त जो है अलग अलग त्रिज्या की है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो क्या ये समरूप है, तो आप कहिए कि हाँ सर ये दोनों वृत्त जो है ना समरूप है। ठीक है, दोनों वृत्त क्या है, समरूप है, क्योंकि इनका समान आकार है, अमाप समान नहीं है। और पूछे क्या ये सर्वांगसम है, तो आप कहिए कि सर सर्वांगसम नहीं है। यानी कि यहां से ये पता चल गया कि वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से, तो यहां से आप कुछ बातें ऐसे लिख सकते हैं। पहला कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका समान आकार दिखता है। तीसरा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे त्रिभुज क्यों नहीं लिखे, आप समबाहु ही क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज कई तरह के होते हैं ना, तो हर एक त्रिभुज, मान लीजिए एक हो गया आपका समबाहु और एक समद्विबाहु, तो उनका समान आकार थोड़े होगा, तो समबाहु है एक समद्विबाहु है, तो कैसे होगा, इसीलिए यहां लिखे हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं।
अब आप सोच रहे हैं क्या सर, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों, दोनों का तो समान आकार दिख रहा है परंतु उनके आमाप समान नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं ऐसा कि ये समरूप नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए उसके लिए अलग कंडीशन है। समद्विबाहु की बात करेंगे तो अभी आपको आगे समझाएंगे, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसी आकृति आप समरूप कहिएगा और कैसी आकृति को समरूप नहीं कहिएगा, ठीक है। उसकी परिभाषा है कुछ, उस समरूपता के आधार पर हम लोग समझेंगे समद्विबाहु के बारे में या किसी भी अन्य फिगर के बारे में। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी बहुभुज के समरूपता के बारे में। बहुभुज का मतलब यह हुआ कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज है ना, उसके समरूपता के बारे में हम एक परिभाषा को देखेंगे। चलिए तो ये परिभाषा कुछ इस तरह से है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है जैसे भुजाओं की समान संख्या वाले, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। ये एक एबीसी है और दूसरा आपका मान लीजिए पीक्यूआर है, तो ये दोनों समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, समरूप होने के लिए अगर वो समरूप है तो समरूप कैसे होगा, जब उसके संगत कोण बराबर होंगे, है ना, सभी संगत कोण ए बराबर पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर हो, ठीक है, उनके संगत कोण बराबर होंगे तब वो समरूप होगा, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपात होंगी, है ना, इनकी संगत भुजाएं, इसमें कौन कौन सा होगा बताइए, तो ए बी और पी क्यू, है ना, बी सी और क्यू आर और ए सी और पी आर, ये ना संगत भुजा लेंगे। आपको पहले ही समझाया था संगत भुजा और संगत कोण के बारे में, पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो संगत भुजा कौन होगी, ए बी किसके संगत होगी, पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के, तो ये दो चीजें हो तभी ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उनके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, संगत कोण, और मान लीजिए ये त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या क्या होंगे, एंगल ए होगा एंगल पी के बराबर, एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी होगा एंगल आर के बराबर। तो अगर ये प्रत्येक संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, है ना, वही कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपात हो, है ना, अनुपात इनके बराबर है, तब ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसीलिए हम लोग देखे थे कि प्रत्येक वर्ग जो होता है ना, देखिए वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या है, तो दोनों वर्ग चार चार भुजा से बना है, तो समान भुजा वाला है ना ये, तो दो समान भुजा वाला ये बहुभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी और इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर एस, तो ये दोनों समरूप होने का रीजन क्या था, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण बराबर होगा, प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा ना, 90-90 होगा, है ना, एंगल ए एंगल पी के बराबर, बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के, 90-90 होगा ना प्रत्येक कोण, तो यानी कि प्रत्येक संगत कोण बराबर हो जाएगा और प्रत्येक भुजा का भी अनुपात इसमें बराबर होगा। मान लीजिए इस वर्ग की प्रत्येक भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर यानी 3 3 3 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसकी भुजा दी है 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप प्रत्येक भुजा संगत भुजा का अनुपात निकालिएगा, तो जैसे ए बी बट्टा पी क्यू निकालिएगा तो 3/2 होगा, या बी सी बट्टा क्यू आर निकालिएगा तब भी 3/2 होगा, है ना, या कौन सा बचा आपका सी डी और बट्टा में आर एस निकालेगा तो वो भी आपका 3/2 होगा, और चौथा जो बच गया एडी बट्टा में पीएस निकालेगा तो ये भी आपका 3/2 होगा। तो प्रत्येक देख रहे हैं ना, प्रत्येक संगत कोण बराबर हो रहे हैं, संगत कोण बराबर हो रहे हैं और इनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है, इसी रीजन से ये दोनों समरूप है, इसी रीजन से ये दोनों समरूप है। इसीलिए आपसे कहे थे कि प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में फिक्स नहीं रहता है कोण बराबर होने का। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी और एक समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं यहां वाला शीर्ष कोण इसका 50 डिग्री है,
ठीक है। तो यहाँ ये दोनों बराबर होते हैं, आपको पता है ये दोनों कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 65-65 हो जाएंगे ना ये दोनों वाले नीचे, है ना, 65 और ये 65, यानी कि 130 और 130 में 50 जोड़ दिए 180। मान लीजिए यहाँ वाला शीर्ष कोण 40 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ वाले दो कोण कितने कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों कोण हो जाएंगे आपके कितने, 70 और 70, ये ना कहा 70 70, 140 और 140 में 40 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो क्या इसमें संगत कोण आपको समान दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, है ना, तो इसलिए ये समरूप नहीं हो सकता। लेकिन यही जब हम लोग समबाहु की बात करेंगे, यही जब आप समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, तो दो समबाहु त्रिभुज यहां लीजिए, बड़ा छोटा लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, दो समबाहु होने चाहिए। जैसे मान लीजिए समबाहु का नाम हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और इसका नाम मान लेते हैं यहाँ पे पी आर, है ना, एम, कुछ अलग नाम मान लेते हैं। चलिए अब आपसे कहें कि ये दोनों समरूप हैं, तो आप कहिएगा कि हाँ सर ये बिल्कुल समरूप है, एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी आर एम के। तो आप कहेंगे कि आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि समरूप तो आप कह दिए सर, कैसे है ये भी तो बता दीजिए। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो इसके संगत कोण बराबर नहीं दिख रहे हैं, 60 60 60 60, तो संगत कोण तो बराबर हो गए ना। अच्छा अगर मान लीजिए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी 2 2 सेंटीमीटर है, तो इनका संगत भुजा का अनुपात जब देखिएगा, कहने का मतलब जैसे एक्स वाई बटा में पी आर, यानी 1/2 आएगा, वाई जेड बटा में आर एम, ये भी आपका 1/2 आएगा, अच्छा तीसरा जो बच गया एक्स जेड और बटा में पी एम, ये भी आपका 1/2 आएगा। तो देख रहे ना कि संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो रहा है और संगत कोण भी बराबर हो रहा है, इसीलिए दोनों समबाहु त्रिभुज आपको ऊपर ही बताया कि समरूप होते हैं। तो यहां से आपको फाइनली यही कंसेप्ट क्लियर हो गया कि समरूप आकृतियां कैसे होती है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे आ गए, प्रश्नावली है आपका 6.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। देखिए कोष्ठक में दो को दिए हैं, इसमें से जो सही है यहाँ पे भरना है। पहले में देखिए तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना, समरूप भरेंगे। दूसरे में सभी वर्ग, तो ये भी समरूप भरेंगे, समरूप होते हैं। तीसरे में सभी कौन सा, समबाहु या समद्विबाहु, तो आप कहिएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु, रीजन आपको अभी समझा चुके हैं। चौथे में क्या भरिएगा, तो देखिए चौथे में दिया हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, पहले भरेंगे बराबर, और फिर दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो, है ना, समानुपाती हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भर के कंप्लीट करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए पहला कह रहा है समरूप आकृति, तो आप बता सकते हैं ना बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, समरूप आकृति का क्या हो जाएगा, दो समबाहु त्रिभुज रहेगा ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना, समरूप होगा, और क्या होगा, अच्छा और लिख सकते हैं वर्ग, वर्ग, दो उदाहरण हो गया। अच्छा ऐसा कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, अच्छा समरूप आकृति के भी दो, समरूप ना होने वाले आकृतियों को 2 उदाहरण दीजिए, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज है ना, जरूरी थोड़ा सभी त्रिभुज समरूप होता है, समद्विबाहु ना समरूप, समबाहु ना समरूप होता है, या समद्विबाहु त्रिभुज भी उदाहरण में हो जाएगा, त्रिभुज लिख दीजिए या समद्विबाहु त्रिभुज लिख दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या आकृति समरूप होता है, नहीं होता है। अच्छा और क्या लिख सकते हैं उदाहरण में, तो और भी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, मतलब ऐसे उदाहरण देने थे ना जो समरूप नहीं हो, जो समरूप नहीं हो, और इसमें बताना था जो समरूप हो, तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। देखिए ये 2 चतुर्भुज दिया गया है, समरूप है, पहले ही दिख रहा है कि दोनों एक है, देखिए वर्ग दिख रहा है और एक समांतर चतुर्भुज, क्या क्या समरूप होगा, नहीं हो सकता ये नहीं होगा, है ना, और भी रीजन है, क्या रीजन है, तो संगत कोण बराबर नहीं है, देख लीजिए एंगल P क्या एंगल A के बराबर है, नहीं है, एंगल Q क्या एंगल B के बराबर है, नहीं है,
है ना, सिर्फ संगत भुजा का अनुपात बराबर दिख रहा है, संगत कोण भी तो बराबर होना चाहिए, यहाँ आपके संगत भुजा का अनुपात सिर्फ बराबर दिख रहा है ना, जैसे इसके एक बटा दो आ जाएगा, एक बटा दो आ जाएगा, एक बटा दो आ जाएगा, एक बटा दो होना चाहिए, लेकिन दोनों रीजन होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए थे इसमें, है ना, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए थे और संगत भुजा का अनुपात, दोनों चीज जब होता तब ये समरूप होता, यहाँ तो संगत कोण ही बराबर नहीं है, तो सीधे लिख दीजिए कि समरूप नहीं है, है ना, समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक की जरूरत हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप के जरिए SMS के द्वारा आप चैप्टर्स के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, कॉल इस पे नहीं करेंगे कभी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।